17 मार्च से 23 मार्च तक लूणू मैदान में आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के लिए तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। मेला मैदान में प्लॉटों के आवंटन के उपरांत जहां प्लॉट धारकों ने अपनी दुकानें लगाने का काम शुरू कर दिया है, वहीं सांस्कृतिक संध्या के लिए वाटरप्रूफ पंडाल बनाया जा रहा है ताकि मौसम की विपरीत परिस्थितियों का दर्शकों पर प्रभाव न पड़े और कार्यक्रम में कोई अवरोध पैदा न हो। जिला बिलासपुर में पहली बार आयोजित किए जाने वाले सरस मेले की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है। सरस मेला 17 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में देश के विभिन्न प्रदेशों की पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनियां व हस्तकला से निर्मित विभिन्न वस्तुओं की बिक्री इस वर्ष नलवाड़ी मेले के लिए नए आयोजकों में शुमार होकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मेले को आकर्षक बनाने के लिए लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर क्षेत्र संस्कृति केंद्र पटियाला द्वारा प्रायोजित विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार अपने प्रदेश की अनुपम सतरंगी छटा बिखेरेंगे। मेले की पारंपरिक रस्मों के निर्वहन के लिए पशु इत्यादि प्रदर्शनी के लिए स्थान आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि मेले के विशेष आकर्षण कुश्ती के लिए अखाड़े का काम अंतिम चरण पर है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों को आमंत्रित किया जा रहा है तथा महिला कुश्ती का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, मेला तो हमारा पुराना मेला है, काफी ऐतिहासिक मेला है बिलासपुर का। इसमें हमारी तरफ से थोड़ा थोड़ा नए जो थीम है वो हर साल जोड़े जा सकते हैं। बाकी जो इसका प्रारूप है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये चेंज ना हो। इस बार मेले का जो थीम है हमारा सर्वदृष्ट्या करके जो थीम है, उसका जो शाब्दिक अनुवाद हिंदी में होता है वो हर नज़र से, और इंग्लिश में होता है कंकॉक्शन ऑफ पर्सपेक्टिव्स। तो कोशिश ये है कि हर बाकी जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो थोड़ी विविधता हो, यहाँ के लोकल कलाकार हैं उनके लिए प्राइमरी हो, उनके लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो उनको दी जाए, और जो इस पर लाइट साउंड स्टेज है उसकी हमारी कोशिश है कि वो बेस्ट क्वालिटी की हो, बैठने का उचित प्रबंध हो। जो पिछले साल किया है, कोशिश यही रहेगी कि उसको उस स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ाया जाए और इस बार और इंक्लूसिव किया जाए कि जिसमें सारे बुज़ुर्ग दिव्यांगजन हमारे सैनिक हैं उन सबको भी इसमें तवज्जो ज़्यादा दी जाए। इसके अलावा जो हमारा साथ में एक सरस मेला भी आजीविका मेला है, जिसमें सारे देश से अलग अलग ग्रुप्स आएंगे, उनके लिए भी इस बार अलग से प्रबंध किया गया है और लोगों को सारे देश भर के जो प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, वो देखने को मिलेंगे और लोग उनको खरीद भी सकते हैं। तो वो इस बार की एक काफ़ी बड़ी अट्रैक्शन रहेगी। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग के ऊपर भी बात चल रही है, अगर सारी परमिशंस वगैरह ओके रहती हैं तो लोग इस बार पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ़ उठा पाएंगे।